नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। अभी दो दिन पहले उज्जैन में जिस तरह से दुर्लभ कश्यप गैंग के एक सदस्य जिसका नाम कुणाल डोरेमोन, उसने हेलवाड़ी इलाके के शहनवाज के एक साथी की 22 चाकुओं से गोद कर उसे घायल किया, उसके बाद पूरे उज्जैन में एक बार फिर से वही माहौल देखने को मिल रहा है। इधर पुलिस उस आरोपी को यानी कि दुर्लभ कश्यप गैंग के उस सदस्य कुणाल डोरेमोन को खोज रही है। दूसरी तरफ कुणाल डोरेमोन जो कि शहनवाज के गैंग के सरफराज को चाकुओं से गोद कर उसे घायल किया, वो अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट कर रहा है जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि उसे अपनी जान प्यारी नहीं है, उसे तो बस बदला लेना है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्लभ कश्यप गैंग का खतरनाक मेंबर कुणाल डोरेमोन कितना बड़ा सन की गैंगस्टर है, जो कि अब बदला लेने के लिए इस तरह से बिना डरे सोशल मीडिया पर उस वक्त पोस्ट कर रहा है जब उसे पुलिस बहुत ही शिद्दत से खोज रही है। वैसे देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमें सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर दोनों ही गैंगों की तरफ से जुबानी जंग देखने को मिलती रहती है, और ये उसी जुबानी जंग का नतीजा है जो आज इस तरह से कुणाल डोरेमोन सरफराज को 22 चाकुओं से गोद कर उसे घायल किया है। फिलहाल आपको बता दें कि सरफराज जिसे 22 चाकुओं से गोद कर उसे घायल किया गया है, वो इससे पहले डी कंपनी के कई सारे लोगों को शहनवाज के साथ काफी अभद्रता भरे शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा था, और ये वीडियो वायरल होने के बाद इतनी बड़ी घटना हुई। फिलहाल उज्जैन पुलिस पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ इन बदमाशों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है और कुणाल डोरेमोन को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कुणाल डोरेमोन अभी भी पकड़ा नहीं गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें शहनवाज के साथी सरफराज की, तो अभी भी उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुणाल डोरेमोन ने ये मैसेज पोस्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं ये तो जरूर साफ होता है कि आने वाले समय में अगर जल्द ही इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उज्जैन में एक बार फिर से बड़ी गैंग वॉर देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से एक बात और कही जा रही थी कि कुणाल डोरेमोन हो या फिर चैन सीके हो या फिर डी कंपनी के या सोशल मीडिया गैंग के जितने भी मेंबर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, उन सब में कुणाल डोरेमोन ही सबसे ज्यादा सन की गैंग से निकला। अभी तक देखा जा रहा था कि चैन सीके जिस तरह से लाइव करता था, जिस तरह से बातें करता था, वो कहीं ना कहीं खतरनाक बताया जाता था, लेकिन कुणाल डोरेमोन के इस अपराध के बाद अब कहीं ना कहीं कुणाल डोरेमोन का वर्चस्व भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।